में हीरा खदान के लिए ऑनलाइन नीलामी की थी, जिसमें देश की नामी कंपनियां अडानी, रोंगटा व बिरला ग्रुप ही शामिल हुई थी। बुधवार को खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि छतरपुर के बक्सवाहा स्थित बंदर हीरा खदान बिरला ग्रुप को मिली है। यह खदान बिरला ग्रुप को 50 साल की लीज पर दी गई है। सरकार को हर साल 1500 करोड़ का राजस्व मिला है। इस खदान से मध्य प्रदेश सरकार को करीब 23,000 करोड़ रुपए यानी कि 30.5% हिस्सेदारी और 11.50% रॉयल्टी का राजस्व मिलेगा। मंत्री जायसवाल की माने तो कंपनी को 2 साल के अंदर काम शुरू करना होगा, जिसमें प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष 1500 करोड़ का राजस्व मिलेगा। 3,50,00,000 कैरेट हीरे के भंडार का अनुमान है, जिसकी कीमत 55,000 करोड़ आंकी गई है। सरकार को 41.55% लाभ मिलेगा, जो 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर कुमार मंगलम बिरला ग्रुप समूह की कंपनी एसएल माइनिंग ने खदान पर अधिकार पाया है। इसमें अडानी बिरला ग्रुप, इसमें अरंतता जो है बिरला ग्रुप को, इसमें फाइनल जो बिड हुई है बिरला ग्रुप को हुई है, जिसको 2 साल के अंदर उसको काम चालू करना, सारी अनुमति लेके उनको 50 साल के लिए वो खदान उनको दी गई है। और उससे अनुमान है हमारा कि लगभग 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को से आने वाले समय पर मिलेगा। उसमें सर, इसके पहले भी जब खदान की नीलामी हुई, क्या लगता है कम दामों में जाती है, इस बार अमाउंट भी ज़्यादा है? देखिए, इसके पहले नीलामी उस तरीके से, नीतिगत तरीके से नहीं हो पाई थी। आपने देखा कि हमने नई रेत नीति बनाई और इसमें हमने ये प्रयास किया कि प्रदेश में ऐसी कोई भी खदान बाकी नहीं रहना चाहिए जिससे अवैध उत्खनन हो। हमने 438 नई खदानें चिन्हित करके उसको भी टेंडर में रखा है। वही खदानें हुआ करती थी 438 जिससे अवैध उत्खनन होता था, और अब प्रदेश में किसी भी खदान से रेत निकलेगी तो ये 100% सुनिश्चित है उसका पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। हमने सारे लूट के रास्ते अपने बंद कर दिए हैं, और यही परिणाम है कि जो पैसा पंचायत के नाम पर, किस ठेके के नाम पर, सब नेताओं के जेब में जाता था, खनिज माफियाओं के जेब में जाता था, और भी लोग हैं, पुलिस के जेब में जाता था, हमने इसको सब खत्म कर दिया है। सारा पैसा सरकार के खजाने में अब आएगा। यही कारण है कि जहां 240 करोड़ मिलता था, अब सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। उसी तरह से नई खनिज नीति जो बनाई है, उसका परिणाम है कि हीरा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट का भी टेंडर लगा, ग्रेफाइट का भी टेंडर हुआ है, उसको रायपुर की एक कंपनी ने उसको भी लिया है। अभी हमने नई खनिज नीति में जितने गौड़ खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके लिए भी हमने नीति बनाई है कि जितने निजी भूमि में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको हम तत्काल जो है पट्टा देंगे, उनको 15% रॉयल्टी के ऊपर 15% बढ़ाकर। उसी तरह से जो व्यक्ति 25 करोड़ रुपये निवेश करेगा तो वो किसी भी जमीन का सीधे उसको पट्टा हम देंगे, 15% बढ़ाकर रॉयल्टी देगा वो, और 25 करोड़ रुपये निवेश करेगा उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और उससे उद्योग लगने से हमारा जब ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। माननीय कमलनाथ जी ने अभी मीटिंग लेकर जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं उसकी खोज जल्दी से जल्दी हो करके हम बाहर की कंपनियों से भी हम उनसे काम ले रहे हैं। जितने ज़्यादा हमको खोज मिलेगी खनिज की, उतना ज़्यादा नीलामी होगी और टेंडर होगा, उतना ज़्यादा दोहन होगा तो उतना ज़्यादा सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के खजाने में सबसे ज़्यादा राजस्व खनिज विभाग का जाना चाहिए, जैसा विदेशों में होता है, बाहर की सरकारें से खनिज विभाग के राजस्व चलती है, लेकिन हमारे देश में वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तरह तरह से कानूनी व्यवस्थाएँ परेशानियाँ, तरह तरह की राजनीतिक परेशानियाँ हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी राजनीतिक परेशानियाँ कम हो और सरकार का राजस्व बढ़े, और जितना राजस्व बढ़ेगा उतना लोगों के कल्याण के काम होंगे। सर, कौन सा वाला हीरा का दान जो है बिरला ग्रुप को मिला सर, कितने में दिए? ये जो रॉयल्टी 11.5% होती है उसके ऊपर 30% बढ़ गए, मतलब लगभग 41.5% रॉयल्टी सरकार को मिलेगी। 1500 करोड़ का लगभग मिलेगा, 2 साल में लगेगा, उसमें 2 साल लगेगा। ठीक है, गांडू और